नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज लकड़ी काटने के लिए मदन घूमता रहा, किंतु उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। वह प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ था कि वह हरे भरे वृक्षों को अपने कुल्हाड़ी के चोट से नहीं काटता। पेड़ पौधों को वह बेटे के समान मानता था और बेटे की हत्या मानव कभी कर ही नहीं सकता। मदन बेहद गरीब था। घर में बुजुर्ग माँ बाप, पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनका भरण पोषण मदन के कार्य से ही चलता था। मदन दिन भर जंगलों में घूमता, लकड़ियां जमा करता और शाम तक बाजार में बेचकर खाने पीने का सामान घर ले आता। इसी से पूरा घर दो वक्त की रोटी खा पाता था। न जाने आज कैसा दिन था कि आज उसे कोई सूखी लकड़ी या सूखा पेड़ मिल ही नहीं रहा था। वह थक हार कर एक जगह बैठ गया। वह आज बेहद दुखी था कि आज उसे घर ले जाने के लिए अन्य पानी का प्रबंध नहीं हो सका। वह सोचते सोचते बेसुध हो गया और वहीं लेट गया। प्रकृति सदैव मानव की रक्षा करती है, मानव के जीवन का एक अभिन्न अंग होती है और मनुष्य को प्रकृति पुत्र के समान पालन करती है। मदन की ऐसी हालत देख प्रकृति में भी उदासी का भाव था। तभी अचानक एक अनोखी घटना घटती है। पेड़ों से शीतल हवा बहने लगती है। मदन की अचानक नींद खुलती है तो वह अपने नजदीक एक कपड़े की पोटली पाता है। यह पोटली पेड़ों से चलने वाली हवाओं के साथ मदन के पास आया था। इस पोटली का रहस्य यह था, कुछ दिन पूर्व एक भले आदमी को लूटकर जंगली डाकू भाग रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसला और वह पहाड़ों की दुर्गम खाई में जा गिरे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह पोटली गिरते समय डाकुओं के हाथ से छिटक कर पेड़ पर टंग गई थी। आज आवश्यकता की घड़ी में मदन को उन पैसों से सहायता हो सकी। नैतिक शिक्षा। जब आप किसी की सहायता करते हैं, निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करते, तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। जब आप प्रकृति का नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रकृति भी आपको नुकसान पहुंचाती है। यह नुकसान दीर्घकालिक होता है।